एक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लोग गौशाला के नाम से जानते हैं, मोर प्रोडक्ट है जिसमें गाय वाय दूध देती है। हाँ, दोनों टाइम में, दोनों टाइम में दूध देती है। और ये जो बच्चे हैं इसी के हैं, करके जाते हैं प्रोफेसरों को मतलब एक पर्ची बनती है। सबको ने ICAR के बारे में जो चर्चा किया था उसका वीडियो मैंने आपको दिखाई दी, मतलब लगभग कितने घंटे बाहर आए दो यहाँ पे, और मतलब छोटा सा डेयरी है, गौशाला मेन वहाँ पे है, वहाँ पे कितनी गाय लगभग रखी गई होंगी, उस वीडियो में देखते हैं हम क्या चर्चा करेंगे, खास करके ICAR और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लोग गौशाला के नाम से जानते हैं, मुर्गी पालन और मछली पालन, तो इनमें से एक हमारा ये डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें गाय वाय रखी गई हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये यहाँ पे गाय रखी जाती हैं, और इनसे ये सब फैसिलिटीज BHU में, मतलब BHU द्वारा खुद, ये सब गायें कौन खरीदा होगा, ये यूनिवर्सिटी द्वारा इसी जगह की है। क्या 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 खिलाते हैं इनको, ये जो इनका जो चारा वारा आता है वो कौन पैसा देता है इसके लिए? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, हमारे साहब बताएंगे ना, हमको तो मिलता है, हम खिलाते हैं। लेकिन गायें बहुत ही तंदुरुस्त और अच्छी हैं। किस नस्ल की हैं ये सब गायें? हर्षल फ्रीजियन है। किस नस्ल की हैं? फ्रीजियन। फ्रीजियन, क्या खासियत होता है इस गाय में? ज़्यादा दूध देती हैं। दूध ज़्यादा देती हैं? एक गाय कितना दूध देती होगी लगभग? 15-16 लीटर मान लीजिए। एक गाय 15-16 लीटर दूध देती है? हाँ, दोनों टाइम में, दोनों टाइम में दूध देती है। और ये जो बच्चे हैं इसी के हैं? हाँ सर, जी बच्चे काफ़ी प्यारे हैं। अच्छा, ये इसको अभी नहीं दुहा गया है क्या? नहीं, 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 नहीं। ये मैं आपको दिखा दूँ, इसको अभी दुहा नहीं गया है। इनको अंदर, अच्छा एक बार अंदर क्या खिलाते हैं, आपको नहीं मारेगी वहाँ जाने पे? नहीं, खड़ी भूसा खिलाते हैं इसको। इसको अंदर दिखाएगा पकड़ के ऐसे ही, इसको इसको हाँ अंदर क्या क्या मतलब खाना खा चुकी है। वो खा रही है ना, उसको दिखाइए ना एक बार खाते हुए, क्या खिलाते हैं इसको? खा चुकी है ना? खा चुकी है। हाँ, अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। हाँ, पार्ट बने हैं छोटे छोटे। बहुत ही, ये सब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। आप लोग का मतलब, आप लोग यहाँ कैसे रखे जाते हैं? 8 घंटा ड्यूटी आप लोग की रहती है। ये सब सुविधाएं BHU में, ये सब सुविधाएं मतलब कोई दिखाता नहीं है जल्दी कि यहाँ पे ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जाती है लोग, और यहाँ से लोग दूध लेकर के जाते हैं प्रोफेसरों को मतलब एक पर्ची बनती है, सबकी पर्ची कट के लोगों के पास एक सिस्टमेटिकली ढंग से सब चीज़ें यहाँ की बिक्री होती है। ये है, और इसके पहले हम लोगों ने ICAR के बारे में जो चर्चा किया था उसका वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये जगह किस लिए बनाया गया है? गाय बाहर निकालने के लिए। रात को मतलब कहाँ बन? या दिन में अंदर रहती हैं, दिन में बाहर निकालने के लिए जगह चाहिए ना। मतलब लगभग कितने घंटे अंदर रखा जाता होगा गाय को? जितना करीब 10 घंटा अंदर, उसके बाद बाहर। अच्छा, अगर हम गाय पाले हैं तो हमको किसी अंदर जगह 10 घंटा रखना होगा, उसके बाद बाहर रखना होगा। बाहर है तो उतना बढ़िया है। अच्छा, खाने के बाद गाय को अलगा देना चाहिए? हाँ। कितना जरूरी है वो अलगाना? जितना पर जगह है, जगह की एरिया का आपको 10-20 है तो उसमें बस खिलाएं दूहे, उसके बाद बाहर कर दिए। बाहर कर दिए। ये सारी सुविधाएं, हाँ जल्दी कर लीजिए, ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और बस यही है, कितना बड़ा तो ये रहा डेयरी का। लेकिन ये आपको दोस्तों बता दूं, ये गौशाला नहीं है, ये मतलब छोटा सा डेयरी है, गौशाला मेन वहाँ पे है। वहाँ पे कितनी गाय लगभग रखी गई होंगी? वहाँ 200-250 गायें रखी गई हैं, और ऐसी ही गायें, मतलब ऐसी गायें नहीं होती हैं, इतनी स्पेशल गायें तो वहाँ नहीं रखते होंगे। हाँ, वहाँ पे भी ऐसी गायें हैं?
वहाँ पे भी इससे अच्छी अच्छी गाय ये बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जरूर जुड़िएगा। ये दूध ऐसे निकलता है और लोगों के पास जाता है। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं किसी एक अलग वीडियो में, और उस वीडियो में देखते हैं हम क्या चर्चा करेंगे। खास करके ICAR और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU पे फोकस कर रहे हैं और इसी को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।